सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज अपने पास है रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 ES, जो कि आपका सेल्फ स्टार्ट वाला वर्जन आता है। इसमें ही एक विदाउट सेल्फ वाला भी आता है, यानी कि किक वाला, जो कि भाई वहाँ खड़ी है, और उसका एक ब्लैक कलर भी ये है। तो ये वाली जो गाड़ी है, ये है अपना विदाउट, अपना सेल्फ वाला, विदाउट सेल्फ। इसमें कोई सेल्फ नहीं है, इसमें सिर्फ आप लोगों को किक स्टार्ट मिलता है। इसका एक कलर ऑप्शन अपना ये आता है, जो स्टैंडर्ड रेगुलर वाला रहता है ये। अभी अपन वीडियो में जो बात करने वाले हैं, ये वाली तो है विदाउट सेल्फ, यहाँ से आप देख सकते हो कोई सेल्फ का स्विच नहीं है। अब अपने पास जो बाइक है उसमें अंदर सेल्फ वाला ऑप्शन आ जाता है। ये वाली जो बाइक है इसमें अपने को सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेल्फ प्लस किक। तो इसके बारे में अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो सेल्फ स्टार्ट वाले मॉडल की अपन बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बाइक की किक की अगर अपन बात करें, तो वही अपना रेगुलर फर्स्ट वाला, जो रॉयल इनफील्ड की सारी बाइक में की आती थी, इस टाइप की अपने को उसमें की मिलती है। और मीटर स्टार्टअप की अगर अपन बात करें, तो कोई एस सच कोई ज़्यादा गतिविधियाँ इसमें होती भी आप लोगों को दिखेगी नहीं। ये अपना नॉर्मल स्पीडोमीटर आ गया, 160 तक मार्किंग है अपना। बीच में जो भी अपना टोटल किलोमीटर रहेगा वो आ गया। न्यूट्रल इंडिकेटर और कुछ इस टाइप से आपका ये हाई बीम लो बीम का लाइट आएगी यहाँ पर। बाइक आपकी रिजर्व में जब आते ही, तो यहाँ पर ये आपकी फ्यूल वाली लाइट आ जाएगी। ये ABS का स्विच चल रहा है, सिंगल चैनल ABS अपने को उसमें बाइक में मिलता है। ये आपका इंजन चेक लाइट आ जाता है। तो कुछ ऐसा है स्विचेस की अगर अपन बात करें, हाई बीम लो बीम, ये आपका पास वाला स्विच आ गया, और इंडिकेटर, हॉर्न भी देख लो, कुछ इस टाइप का अपने को इसमें हॉर्न मिलता है। ब्रेक वगैरह लीवर, ब्रेक और क्लच लीवर वगैरह सब कुछ रेगुलर वाले जो नॉर्मल रहते ही थे। ये भी अपना साइड मिरर भी, जो प्लास्टिक वाले, जो क्रोम वाले ना होके नॉर्मल रेगुलर प्लास्टिक वाले ही इसमें अपने को मिलने वाले हैं। कलर ऑप्शन की अगर अपन बात करें, तो कलर इसमें तीन अवेलेबल रहते हैं। एक रहता है ऑल ब्लैक, एक आपका है ये रॉयल ब्लू, और एक रहता है रेड। तो उसकी भी अभी अपन डिटेल में बात करेंगे। वही अपना मेटल में आप लोगों को फ्रंट मडगार्ड मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, सिंगल चैनल ABS है। बाकी टायर की अगर अपन बात करें, तो सीएट का इसमें अपने को टायर मिलता है, बाकी वो वेरी कर सकता है लॉट टू लॉट। कुछ इस टाइप का अपने को पूरा ब्रेकिंग वगैरह का सीन है सारा, सिंगल चैनल ABS। ये आ गया आपका रिफ्लेक्टर, और बाकी कुछ हॉर्न की प्लेसिंग अपनी यहाँ है। तो सिंगल आप लोगों को बजर मिलने वाला है इसमें। और इस वाले वेरिएंट में ना, जो इंजन है ये आप लोगों को मिलने वाला है ब्लैक, जो नॉन, जो ये वाला मॉडल था जिसमें सेल्फ नहीं है, उसमें आप लोगों को वही क्रोम रहने वाला है। पर इसके अंदर आप लोगों को ये वाला पार्ट रहने वाला है ब्लैक, बाकी सारा क्रोम एज इट इज़ रहने वाला है। बस एक ये जो आपका रिम्स है, ये भी अपनी ब्लैक होने वाली है। फ्यूल टैंक की अगर अपन बात करें, तो 13.5 लीटर का इसमें अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है। यहाँ पर एक अपनी 3D में लोगो आ जाएगा रॉयल इनफील्ड का। सीट की कुशनिंग की अगर अपन बात करें, तो सो है, कोई इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो राइडर वाली जो सीट है वो थोड़ी सी वाइड है, और पिलियन वाली थोड़ी सी पतली है, पर कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। वही अपना रेगुलर वाला जो टेल लैम्प का लुक है रॉयल इनफील्ड बुलेट का, वो उसमें अपने को मिल जाएगा। इंडिकेटर भी अपने को उसमें ब्लैकआउट मिलने वाले हैं, क्रोम नहीं है ये ब्लैक है। जैसे आपको उतार के दिखाते हैं, तो ये ब्लैक वाला इसमें अपने को इंडिकेटर मिलने वाला है। बाकी वही आपका ड्यूल वाला सस्पेंशन सेटअप है पीछे वाला। रियर में ये आपका साड़ी गार्ड आ गया, जो कि लेडीज़ फुटरेस्ट भी कहते हैं कई लोग इसको। ये अपना आ गया बैटरी बॉक्स, और यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स, प्लस ये वाला जो रहता है आपका एयर फिल्टर की प्लेसिंग इसके अंदर रहती है। बाइक में अपने को किक स्टार्ट भी मिल जाएगा। ये अपना एग्जॉस्ट आ गया पूरा क्रोम में। ये आपका आ गया कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पर एग्जॉस्ट के स्टार्टिंग में। तो चलो एक बार आप स्टार्ट करके इसकी थोड़ा सा इंजन साउंड भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस टाइप का अपने इसमें एग्जॉस्ट साउंड मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ना पूरा थंब फील होगा एक कैसा, जो पुराना ओल्ड स्टाइल वाला रॉयल इनफील्ड का साउंड है ना, वही सब मिलने वाला है। अब कर देते हैं बाइक को बंद, और देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसके कलर ऑप्शंस और क्या क्या कुछ आता है। तो इसमें यही ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना, तो ये आ गया आपका जेट ब्लैक वाला कलर, जो कि अभी अपन बात कर रहे थे। ये बाइक आ गई जो अपन वीडियो में कवर कर रहे थे, और एक कलर रहता है तीसरा रेड, जिसमें टैंक का कलर ही रेड रहता है। और ऑल ब्लैक वाला जो है वो आपकी पूरी कंप्लीट ब्लैक मिलने वाला है। इंजन की बात करें, 346 cc का इसमें अपने को इंजन मिलता है। पावर है 19.1 bhp का, और टॉर्क रहता है 28 Nm का। ऑन रोड प्राइस जयपुर आ रहा है ये 194,249, मतलब 194,249 rupees का। तो भाई ये हुआ अपना पूरा ओवरऑल बाइक से रिलेटेड, और कलर ऑप्शन, और विथ प्राइस। ऑन रोड प्राइस जयपुर बताइए मैंने आप लोगों को, तो उसको एक शोरूम ना समझना, और आपके लोगों के सिटी के अकॉर्डिंग आप लोग प्राइस आपके शोरूम से, नियरेस्ट शोरूम से ले सकते हो।
वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और मेरा कोई वीडियो पहली बार देख रहे हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।